हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यानी हम हमेशा सुनते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है ना, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैटरनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ एंड सेफ्टी, बहुत सारी चीज़ें हेल्थ एंड सेफ्टी के इसमें आता है। तो अगर हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो आज हम लोग सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ ये होता क्या है। हेल्थ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम लोग इसी फील्ड के, तो अगर हेल्थ का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम लोग एज अ प्रोफेशनल हम लोग इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे कि लोग हेल्दी है कि नहीं है। तो किसी पर्सन का हेल्दी होने का मतलब क्या है, हेल्दी होने के पीछे मतलब क्या पॉइंट्स है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये पर्सन अभी हेल्दी है, ठीक है। अभी अगर हम लोग हमारे परसेप्शन से देखें या हमारे नज़रिए से देखें अभी कि वो पर्सन डिसेबल्ड है, चल नहीं सकता है, ठीक है, या वो पर्सन खास रहा है, कोई पर्सन खास रहा है, या किसी को सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बार बार पेट दर्द होता है, बार बार बीमार पड़ता है, इन्फेक्शन होता है या डिजीज़ होते हैं, तो इस केस में हम लोग समझ जाते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है, वो पर्सन हेल्दी नहीं है। ये कुछ साइंस है, कुछ सिम्टम्स देख के हम समझ जाते हैं कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है। लेकिन हेल्थ का जो कंसेप्ट है या हेल्थ का जो एक टर्म है, ये सिर्फ इसी के दरमियान ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इसके आगे भी और भी बहुत चीज़ें हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हेल्थ का कंसेप्ट आपको क्या बताता है और हेल्थ का रियल मीनिंग क्या है, ट्रू मीनिंग क्या है, हेल्दी होने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हेल्थ के बारे में, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है हमारे हिस्ट्री में, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बताया। जैसे कि हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने क्या बोले कि इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जो वर्कर्स आपके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके उस साइट पे काम कर रहे हैं, आपके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा। हेल्थ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक के लाइफ में, सिर्फ उसके फिज़िकल बॉडी पे ही नहीं बल्कि ओवरऑल उसके लाइफ पे, उसके क्वालिटी ऑफ वर्क पे, प्रोडक्टिविटी पे, ये सारी चीज़ों पे बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉइज़ हेल्दी रहे, आपके एम्प्लॉइज़ हेल्दी रहे और फिट रहे और सेफ़ रहे। इसका एक डेफिनेशन है जो बहुत ही पॉपुलर, रिनाउंड और बोलते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो किया जाता है, इस डेफिनेशन को। एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। पहले हेल्थ को डिफाइन किया जाता था एज फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़। जैसे हम लोग अगर सेफ्टी की बात करें, तो हम लोग सेफ्टी को एकदम शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम एनी रिस्क और फ्रीडम फ्रॉम एनी हार्म, रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एनी हार्म। लेकिन अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एनी वायरस, एनी इन्फेक्शन और एनी डिजीज़ और एनी इलनेस। चलो अगर हम लोग ये भी बोल दें कि रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एनी इलनेस, फिर भी वो एक कम्प्लीट डेफिनेशन नहीं होगा। तो इसके लिए इसका डेफिनेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो एक बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेल्थ का डेफिनेशन है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पिछले वाले जो डेफिनेशन थे जिसमें डिजीज़ या इलनेस का नहीं होना हेल्थ बोला गया है, उसके अलावा WHO ने ये बताया है कि हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है। लास्ट में आप देख सकते हो कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है, हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ को क्या बोला गया है, कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। ये इसलिए बोला गया क्योंकि हेल्थ, चलो हमको पता है फिज़िकल वेलबींग भी है, यानी इन्फेक्शन से दूर रहना या डिजीज़ से दूर रहना, इलनेस से दूर रहना, ये फिज़िकल हेल्थ का एक डेफिनेशन बोल सकते हैं। इसमें मेंटल हेल्थ भी आ जाता है। अगर मेंटली आप ठीक नहीं हो, अगर मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो या मेंटली आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है या कोई भी टाइप का अलग डिसऑर्डर है,
तो उसके वजह से आपके फिज़िकल हेल्थ को भी इश्यू आता है, जैसे मेंटल हेल्थ के कुछ कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पैल्पिटेशन होना, ठीक है। तो वो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। एंड सोशल भी दिया हुआ है, एंड सोशल वेल बीइंग मीन्स क्या, सोशल वेल बीइंग मीन्स क्या, तो सोशल वेल बीइंग मीन्स आपको सोसाइटी में या आपको सोशली की कैसे ट्रीट किया जाता है, आपका सोसाइटी में पोजीशन क्या है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है कि नहीं, आप सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है कि नहीं, या आपको बुली किया जाता है या आपको जज किया जाता है नेगेटिवली, है ना। ऐसे सोसाइटी में रहना मीन्स ये मेंटल हेल्थ को आपको इफ़ेक्ट करेगा, और वही चीज़ फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। और अगर आप सोशल वेलबींग का मतलब ये भी होता है कि आप फाइनेंशियली वीक हो, फाइनेंशियली आप वीक हो, तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली, यानी ये सोशल आ जाता है, तो फाइनेंशियली इल होने की वजह से, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से आपको प्रॉपर बीमार पड़ने पे मेडिकल हेल्प, प्रॉपर अच्छी मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है, तो वो भी फिज़िकल से कनेक्टेड है। तो हेल्थ का मतलब होता है जो फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, जो इसमें इक्विलिब्रियम हो, इसमें बैलेंस हो, और डिजीज़ रेजिलिएंट, डिजीज़ से बचना। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो देन यू आर हेल्दी, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो देन यू आर नॉट हेल्दी। इसलिए हम लोग साइकोसोशल हज़ार्ड को भी एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। बहुत जगह पे इसको इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट ऑब्वियसली एक पार्ट है हेल्थ का। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्दी रखना है, सेफ रखना है, तो ऑब्वियसली हेल्दी रखने के लिए उन लोगों को आपको साइकोसोशल हैज़ार्ड्स को भी कंसिडर करना होगा। डेफिनेशन, हेल्थ का डेफिनेशन और भी है, और भी अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। वेबस्टर ने क्या किया गया, दी कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज और पेन, ये भी हेल्थ होता है। एंड देन साउंडनेस ऑफ बॉडी और माइंड, दैट कंडीशन इन विच इट्स आर ड्यूली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज्ड, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक डेफिनेशन है। तो ये सब डेफिनेशंस है हेल्थ के। तो साउंड बॉडी एंड माइंड का भी यही मीनिंग होता है कि आपका मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ में सिर्फ मेंटल एंड फिज़िकल नहीं आता है, बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती है। इसमें स्पिरिट वर्ड भी आया है, पिछले वाले डेफिनेशन में हमने देखे स्पिरिट वर्ड भी आया है। स्पिरिट वर्ड इसलिए आया है क्योंकि हेल्थ के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेंटल हेल्थ होता है, फिज़िकल हेल्थ होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ होता है, फाइनेंशियल हेल्थ होता है बहुत अलग अलग, इमोशनल हेल्थ होता है, बहुत सारे अलग अलग हेल्थ होते हैं, हेल्थ के अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मिलकर हेल्थ का एक टर्म बनता है। जो एक अगर बॉडी हमारा अगर बॉडी एक अच्छे लेवल पे रहता है, यानी हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, हम अच्छे से सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं, बैलेंस रख पाते हैं हमारी लाइफ में, हम लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, हम सोशल होते हैं, ठीक है, हम लोगों के साथ कंफर्टेबल है, और कोई डिजीज़ नहीं है, फिज़िकल अनकंफर्टेबल भी नहीं फील करते, और मेंटली हम लोग अनकंफर्टेबल भी नहीं फील करते, या सोशली भी हम लोग अनकंफर्टेबल नहीं फील करते, तो दैट्स हेल्थ। वो एक गुड हेल्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साउंड बॉडी एंड माइंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ, ठीक है। हेल्दी पर्सन क्या करेगा, हेल्दी पर्सन काम अच्छे से कर पाएगा, ठीक है, और उसके बाद में डिसीजन लेना या काम करना उसको अच्छा लगेगा, या वो खुद से जो होगा एफिशिएंटली करेगा वो। और जो एक हेल्दी पर्सन होगा वो हमेशा उसका मेंटल कंडीशन भी अच्छा होगा, उसके बाद में वो जो होगा पर्सन मेंटली भी साउंड होगा एंड फिज़िकली भी वो डिजीज़ से फ्री रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये करता है हेल्थ को डिफाइन, ये डिफ़ाइन करता है हेल्थ को। और हेल्थ सिर्फ फिज़िकल हेल्थ से ही रिलेटेड नहीं है, ये सारे जो है फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीनों चीज़ों से रिलेटेड है। और हमको देखना है कि हमारे वर्कर्स या हमारे उधर जो भी काम कर रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। तो हमको हेल्थ का डेफिनेशन, ये जो है सही डेफिनेशन है हेल्थ का। आई होप आपको आज का ये टॉपिक, आज के वीडियो का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। होप टू सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, एंड टू डू सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।